दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के छपरा जिले में मॉब लिंचिंग के बाद तनाव फैला हुआ है और माहौल को शांति बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी रात 12 बजे तक 23 सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग एप्लीकेशन पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक बिहार सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया। सारण पुलिस अधीक्षक के द्वारा रिपोर्ट में कहा गया है कि सारण जिले में कुछ असामाजिक तत्व जनता के बीच अफवाह और असंतोष फैलाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के लिए इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। अखिल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण है। ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में बस एक MLC है, इसके अलावा किसी पद पर नहीं है। जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुआ है और इसमें मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। ललन सिंह ने कहा कि पार्टी की ओर से कोई सूची भी जारी नहीं की गई है, इस वजह से अभी केंद्रीय पदाधिकारी के पद पर कोई नहीं है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर भी चुनाव नहीं हुआ है। अलीगढ़ केंद्रीय जांच एजेंसी का बड़ा एक्शन, जदयू MLC राधाचरण सेठ और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के MLC राधाचरण सेठ पर केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पटना और आरा में राधाचरण के घर समेत उनके कई ठिकानों पर केंद्रीय जांच के द्वारा छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई संदिग्ध वस्तु या दस्तावेज मिलने की सूचना नहीं है। अलखर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे और पार्टी में बगावती तेवर दिखा रहे, और उन्होंने 19 और 20 फरवरी को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना बताया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की बैठक पर बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने पलटवार किया और कहा कि अब जेडीयू पार्टी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। ये भी कहा कि जदयू की जो स्थिति हो गई है उसमें कोई कुछ भी प्रयास कर ले पार्टी मजबूत हो ही नहीं सकती। नवल किशोर यादव ने उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करते हुए कहा कि रालोसपा का जब मर्जर जदयू में हुआ था उसी दिन लग गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को ठगा जा रहा। अलीगढ़ पटना हाईकोर्ट ने BPSC के द्वारा संचालित 31वीं न्यायिक अफसर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली सुनवाई करते हुए परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्राधिकारी की नियुक्तियां इस मामले में पारित अंतिम फैसले के फलाफल पर निर्भर करेगा। रीट याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चयन करने वाली बिहार लोक सेवा आयोग ने भर्ती रूल बुक में और इस परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की खंडिकाओं का उल्लंघन किया है। आयोग ने मनमाने तरीके से मुख्य परीक्षा में प्रथम दृष्टया आयोगी अभ्यर्थियों को भी इंटरव्यू में बुलाकर पूरे भर्ती प्रक्रिया को अनियमित और अवैध बना दिया है। अलखर नीतीश कुमार की महिला विधायक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बाहुबली की MLA पत्नी को पटना की हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट। जदयू विधायक बीमा भारती पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। पटना व्यवहार न्यायालय की एक कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में विधायक बीमा भारती के खिलाफ उनकी उपस्थिति के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है और इस मामले में बीमा भारती आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो सकती है। दरअसल प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता चौधरी की कोर्ट ने पूर्व में जारी किए गए जमानती वारंट के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण श्रीमती भारती की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया है। अलीगढ़ बिहार में जल्द दूर हो जाएगी बिजली बिल की समस्या, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। बिहार में लंबे समय से बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रही है। पिछले दिनों CM नीतीश के जनता दरबार में भी बिजली बिल से जुड़े कई मामले सामने आए थे। इस दौरान अपनी फरियाद लेकर पहुंचा एक बुजुर्ग व्यक्ति मुख्यमंत्री के सामने रोने लगा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के आधे गांव में इसी महीने कैंप लगाकर बिजली बिल में सुधार किए जाएंगे। बाकी बचे 50% गांव में मार्च के महीने में कैंप लगाकर लोगों की समस्या दूर की जाएगी। कनीय अभियंता अपनी शाखा के तहत आने वाले गांव में कैंप लगाएंगे और कैंप में बिजली बिल की वसूली भी होगी और बकाया बिलों का भुगतान भी प्राप्त किया जाएगा। अलीगढ़ राज्य में मरीजों को इलाज देने के बजाय दूसरे अस्पताल रेफर करने पर स्वास्थ्य विभाग ने अब सख्ती की है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए मरीजों को रेफर करने का कारण और पूरा ब्यौरा लिखना अनिवार्य कर दिया है और यह पूरा ब्यौरा डॉक्टर को राज्य स्वास्थ्य समिति के बुकलेट में लिखना होगा। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी अस्पतालों को बुकलेट उपलब्ध करवा दिया है। ऐसा नहीं करने और वाजिब कारण नहीं होने पर रेफर करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि मरीजों को जहां से रेफर किया जाएगा उनके कागज एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के बुकलेट में पूरा ब्यौरा होना चाहिए। मरीज को अटेंड करने वाले डॉक्टर को लिखना होगा कि मरीज उनके पास कितने बजे आया, उसे क्या समस्या थी, क्या ट्रीटमेंट दिया और नहीं दिया। साथ ही ये भी बताना होगा कि सुविधा के कमी के कारण मरीज का इलाज नहीं कर सकते और रेफर कर रहे। अलीगढ़ बिहार में पैक्स बेचे की बीमा पॉलिसी, ट्रेन एवं प्लेन टिकट और बनाए की आधार पैन। आपको बता दें कि प्राथमिक कृषि साख समितियां पैक्स अब कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा दी जाने वाली सारी सेवाएं आम लोग को उपलब्ध करवाएगी, यानी पैक्स अब बीमा पॉलिसी और ट्रेन प्लेन की टिकट बेचेगी। वहीं आधार और पैन कार्ड भी बनाएगी और इसके लिए सहकारिता मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और CSE के बीच समझौता हो चुका है। समझौते के मुताबिक पैक्स अब CSE के रूप में काम करवाएगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में राज्य के करीब 8,000 पैक्स अपने सदस्यों समेत ग्रामीण आबादी को CSE पर मिलने वाली सेवाएं उपलब्ध करवाएगी और इसके लिए पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा।
अलखर छपरा में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, इंटरनेट किया गया बंद। मांझी और एकमा ब्लॉक में धारा 144 लागू है, बाहरी लोगों की गांव में एंट्री है बैन। छपरा में पिटाई से युवक की हत्या के बाद बवाल मचा है, मुखिया के घर हुई आगजनी के बाद पुलिस एक्शन में है। मांझी और एकमा प्रखंड में धारा 144 लगाई गई है। छपरा सहित यूपी के बॉर्डर इलाके में भी करीब 20 किलोमीटर तक नेट बंद कर दिया गया है। गाँव में करीब 2000 की संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। गाँव में बाहरी लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। बिहार के सैफ जवान एसटीएफ आरएएफ की टीम सहित जिला पुलिस की तैनाती की गई और बिहार के एडीजी सुशील मानसिंह खोपड़े और अन्य अधिकारियों ने मुबारकपुर का दौरा किया है और पूरे दिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां दौड़ती रही। अलखो राज्य में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार लेगी कर्ज, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कम है, राजस्व भी कमजोर है। केंद्रीय करों में नवम्बर तक 31% हिस्सेदारी मिली है, अपना राजस्व भी 45% ही हासिल हुआ है और सामने है दो चुनावी साल में जनता की उम्मीदें पूरी करने की चुनौती। लिहाजा इस तिमाही मार्च तक बिहार सरकार हर हफ्ते 2000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी और आगे बढ़ेगी। रिजर्व बैंक से अगले दो महीने में 19,043 करोड़ रुपए ऋण लेने की तैयारी है। खजाने की स्थिति ऐसी कि सरकार के पास फिलहाल कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को गति देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि राज्य सरकार की अभी तक की उधारी वैध सीमा में है और चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की उधारी सीमा 27,670 करोड़ रुपए है। अलीगढ़ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की आवास से चोरी की घटना सामने आई है। बिहार के लखीसराय से विधायक विजय सिन्हा के पटना स्थित एग्जीबिशन रोड स्थित आवास से 1.5 लाख रुपए नगद, दस्तावेज और घड़ी की चोरी हुई है। इसके बाद इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। विजय कुमार सिन्हा के लिपिक गौरव कुमार ने पटना के गांधी मैदान थाने में चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई है और उसमें कहा गया कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के एग्जीबिशन रोड स्थित आवास से 1.5 लाख रुपए नगद के साथ दस्तावेज और उनकी घड़ी चोरी की गई है। अलीगढ़ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को घेरने के लिए भाजपा ने बड़ी रणनीति तैयार की है। पार्टी की रणनीति जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा को इसी महीने साधने के बाद पार्टी उन नेताओं को साधेगी जो या तो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं है या जिन्हें जदयू राजद का गठबंधन रास नहीं आ रहा। इसी क्रम में जदयू के 3 सांसदों के भाजपा के संपर्क में होने की चर्चा है। दरअसल नीतीश के भाजपा से पल्ला झाड़ने और गठबंधन में शामिल होने के बाद जदयू के कुछ सांसद और नेता कई कारणों से असहज महसूस कर रहे। महागठबंधन में कई दलों के शामिल होने से कुछ सांसदों को अपनी सीट गंवाने का भय सता रहा। फिर नीतीश का अगला चुनाव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ने की घोषणा से भी कई नेता असहज हैं। भाजपा से नाता तोड़ने के बाद नीतीश की योजना जदयू और राजद का विलय करने का था। नीतीश जनता दल परिवार को भी एकजुट करना चाहते थे। पार्टी में बगावत की स्थिति पैदा होने की आशंका से राजद जदयू का विलय नहीं हो पाया। अब राजद का एक खेमा चाहता है कि वादे के मुताबिक नीतीश लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की कमान तेजस्वी को दे दें।